हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस एपिसोड में एलिमेंट्री ड्राइंग एग्जाम का प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करने वाले हैं। आज का यह क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन होगा। आपको ड्राइंग एग्जाम गाइड चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास वाले बेल आइकन को ऑल क्लिक करना है। अगर वीडियो आपके समझ में आता है और आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर भी करना है। प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास राउंडर, इसे कंपास भी बोलते हैं, स्केल और पेंसिल, इन ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। आज हम इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसका अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करना है और उसे समझ लेना है। इंग्लिश क्वेश्चन सेक्शन 5, इंस्क्राइबिंग सर्कल्स। एग्जाम्पल नंबर 70, टू इंस्क्राइब अ सर्कल इन अ ट्रायंगल। क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विथ इट्स थ्री साइड्स मेजरिंग 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड इंस्क्राइब अ सर्कल इन इट। हिंदी प्रश्न, विभाग पांचवा वृत्त को अंकित करना। उदाहरण, एक त्रिभुज में एक वृत्त वर्तुल को अंकित करना। प्रश्न, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की तीन भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करे और उसमें वृत्त वर्तुल अंकित करे। मराठी प्रश्न, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर बाजू असणारा त्रिकोण काढा, त्यात वर्तुळ अंतर्लिखित करा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 हमने इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में देखा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन में दिए गए अनुसार पहले हमें एक यहाँ पर त्रिभुज निकालना है। इस त्रिभुज की हमें तीन भुजा यहाँ पर दी गई है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर तीन में से एक जो भुजा है वो यहाँ पर लेना है। हमने यहाँ पर BC लाइन ली है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ पर ट्रायंगल की तीन साइड हमें दी गई है, उसमें से मैंने एक 6 सेंटीमीटर साइड यहाँ पर ली है, दूसरी साइड है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर राउंडर में हमने 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया है और सी पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर यहाँ पर आर्क बनाया है और तीसरी वाली जो भुजा है वो है 4 सेंटीमीटर। तो बी पॉइंट से इस आर्क पर दूसरा आर्क बनाया है। इस प्रकार से दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस हुए हैं, वहाँ पर पॉइंट मिला है, उसे नाम देना है ए। अब ए बी को जोड़ना है और ए सी को जोड़ना है। इस प्रकार से तीन भुजाओं वाला त्रिभुज यहाँ पर बन गया है। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लिखना है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिखना है। यहाँ पर हमें ए बी सी और बी सी ए इन दो एंगल को बाइसेक्ट करना है। यहाँ पर इनके दो इक्वल पार्ट बनाने हैं। तो उसके लिए अब हमें बी पॉइंट पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर यहाँ पर इस प्रकार से बी ए लाइन पर और बी सी लाइन पर एक आर्क बनाना है। उसके बाद इस आर्क ने बी ए लाइन को यहाँ पर क्रॉस किया है, बी सी लाइन को यहाँ पर क्रॉस किया है। तो फर्स्ट वाले पॉइंट पर कंपास का राउंडर का स्टील वाला पॉइंट रखकर कंपास में हाफ से थोड़ा अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस लेके यहाँ पर इस साइड पर एक आर्क बनाना है और दूसरा आर्क बनाना है पहले आर्क पर। इस प्रकार से दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस हुए हैं, वहाँ पर पॉइंट लेना है बी पॉइंट को और अभी मिले पॉइंट को जोड़ना है। इसी प्रकार से हमें बाइसेक्ट बनाना है सी पॉइंट से। तो कंपास में अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस लेके यहाँ पर दो आर्क बनाए। पहले आर्क पर राउंडर का स्टील वाला पॉइंट रखकर कंपास में अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस लेकर यहाँ पर एक आर्क बनाया और सेकंड वाले पॉइंट में से उस आर्क पर दूसरा आर्क बनाया। दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस हुए, वहाँ पर पॉइंट लिया
और उस पॉइंट को और सी पॉइंट को इस प्रकार से जोड़ा। हमने यहाँ पर एबीसी का बाइसेक बनाया और बीसीए का बाइसेक बनाया। दोनों बाइसेक यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस हुए हैं, वहाँ पर नाम देना है ओ। उसके बाद ये जो हमने अभी बी और सी पॉइंट में से जो बाइसेक निकाले है, क्वेश्चन नंबर 6 को आपको देखना होगा और वहाँ पर मैंने एक एंगल के जो बाइसेक बनाए उसका स्टडी करना होगा। यहाँ पर हमें एक परपेंडिकुलर निकालना है और वो कैसे निकालना है तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 उसे देखना होगा। एलिमेंट्री ड्राइंग एग्जाम का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो देखकर आप ऐसा परपेंडिकुलर इजीली निकाल सकते हो। अब मैंने राउंडर को, कंपास को ओ पॉइंट पर रखकर कंपास में अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस लेकर बीसी लाइन पर इस प्रकार से दो आर्क बनाए हैं। पहले वाले आर्क ने जहाँ पर क्रॉस किया है लाइन को और दूसरे वाले आर्क ने भी जहाँ पर क्रॉस किया है वहाँ पर पॉइंट को हमने क्लियर किया। कंपास में हाफ से थोड़ा ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस लेके निचले वाले हिस्से पर एक आर्क बनाया और दूसरे वाले पॉइंट से उसी डिस्टेंस से उस आर्क पर दूसरा आर्क बनाया। दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस हुए हैं, वहाँ पर पॉइंट मिला है, उस पॉइंट को और ओ पॉइंट को हमने लाइन से जोड़ा है। उस लाइन ने बीसी लाइन को यहाँ पर क्रॉस किया है, यहाँ पर पॉइंट लेना है एन। अब हमें कंपास का स्टील वाला पॉइंट ओ पर रखना है और कंपास में डिस्टेंस लेना है ओएन जितना, ओएन इतना, और यहाँ पर एक सर्कल बनाना है इस प्रकार से। इस प्रकार से इस सर्कल ने इस ट्रायंगल को करेक्टली अंदर से टच करके ये गया है, तो ऐसा सर्कल आपका आना चाहिए। इस लाइन को क्रॉस करके बाहर से जाना नहीं चाहिए, इस प्रकार का आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। बच्चों, आज का यह क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।